हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट थ्री, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम 1 से 5 तक के क्वेश्चन कराए थे, अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। राइट द फ्लोइंग न्यूमरल इन वर्ड। स्टूडेंट, ये आपको न्यूमरल दिए गए हैं, इन्हें आपको वर्ड में लिखना है या नंबर नेम में लिखना है। ओके स्टूडेंट, इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो स्टूडेंट, आपको इन्हें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, किसी भी न्यूमरल को अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो सबसे पहले उसके ऊपर हम 1 stand डालते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या डालते हैं? 1 stands। तो स्टूडेंट डाल लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million और 100 million। ओके स्टूडेंट, ऐसे हम 1 stand डाल लेंगे इन्हें, ठीक है जी। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनेशनल है तो 100,000 आएगा, अगर इंडियन होता तो यहाँ पे लैक आ जाता। तो स्टूडेंट, फिर मिलियन, 10 million और 100 million। तो स्टूडेंट, ये 3-3 के पेयर बनते हैं इसमें, ठीक है जी। आपको बताया कि 100 हमेशा अकेला ही लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, पहले हम इस पेयर को पढ़ेंगे पूरे को, ये क्या लिखना। तो 100, देखो 2 की प्लेस क्या है, एच है ना, तो 200 हो गया, 217, 295 और 210। स्टूडेंट ऐसे पढ़े जाते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या आ गई, 217, 295, 210, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहले वाला जो हमारा पेयर है, यानी कि पीरियड है स्टूडेंट, उसे पढ़ेंगे। तो ये क्या लिख रहा है, 217। तो स्टूडेंट, हम 217 लिखेंगे, TWO 200, HUND RED 217, SEVEN 7, है ये टीन और ऐड कर देंगे, TEEN 217। तो स्टूडेंट, ने अभी 217 लिखा, अभी 217 तीनों क्या है स्टूडेंट, ये तीनों है मिलियन। तो अब जो भी इनकी प्लेस है उसे हम बाद में लिखेंगे, मिलियन, MIL मिल, है जी, लोयन, LION लोयन। अगर आप इन्हें इस तरह 2 टुकड़ों में तोड़ के याद करेंगे स्टूडेंट, MIL मिल, LION लोयन माने शेर। तो स्टूडेंट, आपको आसानी से मिलियन की स्पेलिंग याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट, इतने एक पीरियड खत्म हो गया हमारा मिलियन का, अब हम थाउजेंड का लिखेंगे। तो 295 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 295, TWO 200, HUND RED 295, NINE, TY और ऐड कर दीजिए 95, FIVE 5। ओके स्टूडेंट, तो 295 होगा। अब ये तीनों क्या है जी, 1000, इनकी प्लेस 1000 है, तो आप यहाँ पे 1000 लिखेंगे, TOUSAND 1000। तो सेकंड पीरियड भी हमारा खत्म हो गया, अब हमारा 1 वाला पीरियड है स्टूडेंट, इसे लिखेंगे 210, TWO 200, HUND RED 210, TEN 10, और बाद में फुल स्टॉप। स्टूडेंट, आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ही पर्याप्त नहीं है।
इसके लिए स्टूडेंट अगर आपको चाहते हैं कि आपसे ये अच्छी प्रकार आए तो एक रफ कॉपी उठा के तो उसमें प्रैक्टिस करके देखेंगे आप, ठीक है जी। अगर आपसे सही आता है, आपने सही कर दिया क्वेश्चन, तो सोच लीजिए आपसे आ गया, अदरवाइज नहीं है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब बी वाला क्वेश्चन लेंगे। बी में क्या है जी, 346 एक पीरियड है स्टूडेंट, ये 800 दूसरा पीरियड है, 324। तो स्टूडेंट ये हो गया, तो स्टूडेंट हम इनके जो ऊपर वन स्टैंड डाले हैं नहीं मान लेते हैं इनके नीचे, ठीक है जी। देखिए यही वन स्टैंड हो गए इनके, एक बार लिख लिया, जैसे कि आप टेबल बना लेते हैं और सारणी बना लेते हैं, उसमें ऊपर लिख लेते हैं, नीचे लिखते हुए चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इससे हमारा समय बचेगा कुछ। तो स्टूडेंट ये हमारे मिलियन का है, ये पेयर हमारा 1000 का है, और ये पीरियड हमारा वंस का है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है 346, 800, 324, ठीक है जी। पहले हम पहले वाला लिखेंगे, तो ये क्या है जी 346, तो यहाँ लिखेंगे 346, THREE 100, HUNDRED। देखो वह थ्री के ऊपर H लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, तो 340 में U नहीं आता, FORTY 40, SIX 6। अब स्टूडेंट ये तीनों क्या है, मिलियन है, तो यहाँ मिलियन लिख देंगे। मिलियन की स्पेलिंग अभी आपने याद करी थी, MILLION, मिलियन। तो एक पीरियड खत्म हो गया स्टूडेंट हमारा, आप दूसरा देखेंगे क्या है जी 800, EIGHT 800, HUNDRED 800। तो स्टूडेंट 800 से आगे कुछ भी नहीं है, जीरो है ना, 10 और वन प्लेस पर। तो स्टूडेंट ये सब क्या है, 1000 है, तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे, TOUSAND 1000, और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब वंस वाला पीरियड रहेगा हमारा, ये क्या है जी 324, तो यहाँ लिखेंगे 3 THREE HUNDRED HUNDED 20 TWENTY 4 FOUR 4, और बाद में फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट, ये बीच में स्टूडेंट टी छोटा ही बनेगा, स्मॉल बनेगा, ठीक है जी। अब सी में क्या है जी 357 और 120। ओके स्टूडेंट, तो ये इनके पीरियड हो गए 3-3 के। देखिए स्टूडेंट, जो कॉमा इंसर्ट होता है वो सब 3 डिजिट के बाद होगा, वंस की साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 के बाद कॉमा इंसर्ट करा 1 2 3, फिर 3 के बाद कॉमा इंसर्ट करा, तो स्टूडेंट हर 3 डिजिट के बाद कॉमा इंसर्ट होगा, यानी कि जब एक पीरियड ख़त्म हो जाएगा। ये वंस का पीरियड है, ये 1000 का है, ये मिलियन का है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या लिखना, 353 है पहला पीरियड, 257 है दूसरा पीरियड, 120 है तीसरा पीरियड। तो स्टूडेंट 353, तो ये क्या है मिलियन, 257 क्या है 1000, और 120 ये वंस वाले पीरियड है, ऐसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ऐसे लिखेंगे,
300 353 FIF FIF और टी वाई और जोड़ दीजिए टी 53 टी एच आर डबल ई 3 तो 353 हो गया स्टूडेंट। अब ये क्या है मिलियन एम आई एल एल आई ओ एन मिलियन। तो स्टूडेंट एक पीरियड खत्म हो गया हमारा मिलियन का। अब 1000 का 257 है तो लिखेंगे 200 क्या है जी 57 एफ आई एफ टी वाई 57 एस ई वी ई एन 7। तो स्टूडेंट ये क्या है ये तीनों क्या है जी 1000 तो यहाँ पे आप 1000 लिखेंगे टी एच ओ यू एस ए एन डी 1000। तो ये 1000 का पीरियड भी खत्म हो गया। अब 120 ओ एन ई वन 100 H U N D R E D 120 T W E N T Y 20 और बाद में फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट जो हमने वो प्रीवियस में वीडियो बनाई थी 33 मैजिकल वर्ड, स्टूडेंट अगर आपके में 33 मैजिकल वर्ड्स हैं तो आप कोई भी नंबर नेम लिख रहे हो 1 से लेकर करोड़ तक तो सब में वही वर्ड्स आएंगे, एक भी वर्ड्स अलग से नहीं आ सकता। तो बस स्टूडेंट आपको वे 33 वर्ड्स याद करने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, स्टूडेंट वो प्लेलिस्ट में है तो वहाँ से आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। अब जी डी डी में है जी 400 1000 के पीरियड में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट और 009 ठीक है जी। तो स्टूडेंट पहले हम ये वाला लिखेंगे ये 400 है क्योंकि इसके ऊपर एच है इसकी प्लेस तो यहाँ लिखेंगे 400 एफ ओ यू आर 400 एच यू एन डी आर ई डी 400। तो स्टूडेंट आगे 10 और 1 प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 400 क्या है जी मिलियन एम आई एल एल आई ओ एन मिल लोयन ऐसे याद करेंगे मिल की अलग करेंगे लोयन की अलग करेंगे एक साथ लिख दीजिए तो बिल्कुल याद रहेगी कभी नहीं भूलने के। ओके स्टूडेंट अगर 1000 पे 00 है तो ये 0 है तो लिखे नहीं जाने के स्टूडेंट और लास्ट में क्या है 9 तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9 और फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट 400 मिलियन 9। अब है जी ई ई में क्या है 532 107 और 650। ओके स्टूडेंट देखिए ये वंस के नीचे है और ये 10 के नीचे है ये 100 के ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप लिखना शुरू कर दीजिए ये क्या है 532 ये क्या है 107 ये क्या है 650। तो स्टूडेंट आपको इन्हें ऐसे लिख रहा है बस इनके ऊपर जो प्लेस है इन्हें लिखने के बाद वो प्लेस लिख देते हैं। तो 532 लिखेंगे 100 H U N D R E D
532 THIRTY 32 532। अब क्या है जी स्टूडेंट, ये 532 क्या है? मिलियन, MILLION मिलियन। अब एक पीरियड खत्म समाप्त हो गया स्टूडेंट, अब सेकंड देखिए क्या है 107, तो लिखो पहले 107 HUNDRED 107 SEVEN 7। तो 107 की प्लेस क्या है जी 1000, ये 1000 का पीरियड है तो स्टूडेंट यहाँ पे 1000 लिखेंगे। THOUSSAND है जी 1000। तो सेकंड पीरियड खत्म हो गया स्टूडेंट हमारा। अब लास्ट 650 SIX 600 HUNDRED 150 FIFTY 50। ओके स्टूडेंट, तो ये भी खत्म हो गया जी। अब है एफ में क्या है जी 607 205 और जी 600। ऐसे है स्टूडेंट, तो सेवा से लिखेंगे 607 लिखेंगे पहले, फिर मिलियन लिख देंगे क्योंकि ये तीनों मिलियन है, फिर 205 लिखेंगे, फिर इसका आगे 1000 लिख देंगे क्योंकि ये तीनों 1000 है यानी कि 1000 का पीरियड है, फिर ये वंस वाला लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो लिखिए 607 SIX 600 HUNDRED 607 SEVEN 7 मिलियन MILLION मिलियन। अब 205 205 क्या है जी 1000 THOUSAND 1000। तो फर्स्ट सेकंड दोनों पीरियड पूरे हो गए स्टूडेंट। अब थर्ड, थर्ड में क्या है जी 600 SIX 6 HUNDRED 600। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं करना होता, पहले जो पहला पीरियड होता है उसे लिखिए और वो पीरियड कहेगा उसके आगे उसके प्लेस लिख दीजिए, मिलियन है तो मिलियन, 1000 है 1000 और वंस के प्लेस क्या है तो वंस, है ना। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। स्टूडेंट जो ये आपको नंबर नेम दे रखे हैं या वर्ड्स दे रखे हैं आपको, इनके लिए आपको न्यूमरल लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, इन्हें कहीं में लिखना है आपको न्यूमरल में, और न्यूमरल में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये देखना होगा इस न्यूमरल में लास्ट वाली प्लेस क्या है। तो स्टूडेंट पढ़िए आप यहाँ क्या लिख रहा, 34 लाख, तो लास्ट की प्लेस क्या है, आखिरी प्लेस क्या है आपकी, लाख है। तो स्टूडेंट इसमें आपको लाख तक के 1 stand डालने हैं, ठीक है जी, तो आप वो लाख तक के 1 stand डाल लीजिए, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s, लाख और 10 लाख। अब स्टूडेंट आपको सबसे पहला काम यही करना था, अब आप देखेंगे 34 लाख है, 34 क्या है, 30 और 4 दोनों लाख है,
तो स्टूडेंट ये टेन प्लस एट ही लिखा हुआ है ना, तो यहाँ तो आप लिखेंगे थ्री, तो ये होगा थर्टी। अब एल पे लिखेंगे आप फोर, तो स्टूडेंट ये हो गया थर्टी फोर। अब दोनों क्या हो गए, दोनों की प्लेस, दोनों के ऊपर क्या लिखा हुआ है एल, तो ये दोनों लैक हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट थर्टी फोर लैक, यही रीड करने का तरीका भी है, किसी भी नंबर लिखा हुआ है आप कैसे पढ़ेंगे उसे, तो इसी प्रकार पढ़ेंगे थर्टी फोर लैक। तो स्टूडेंट एक पीरियड खत्म हो गया हमारा लैक तक का, यहाँ तक का। अब है सिक्सटी फाइव थाउजेंड, सिक्सटी टेन प्लेस पर क्या आया जी सिक्स, और प्लेस थाउजेंड प्लेस पर आया स्टूडेंट फाइव। तो स्टूडेंट ये सिक्सटी फाइव हो गया। अब ये दोनों क्या आया, दोनों की प्लेस क्या आया जी थाउजेंड, तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड रीड हो रहा। अब सिक्सटी फाइव थाउजेंड खत्म हो गया, एक पीरियड और हमारा स्टूडेंट। अब थ्री हंड्रेड, हंड्रेड हमेशा अकेला लिखा जाता है, एक ही डिजिट में लिखा जाता है, याद रखें स्टूडेंट। देखो पहले हम थ्री बोलेंगे फिर इसकी प्लेस बोलेंगे, थ्री हंड्रेड। ओके स्टूडेंट, और ये यहाँ पे ऐसे लिखा जा रहा है, थ्री हंड्रेड क्या लिख रहा है लास्ट में ट्वेल्व, तो स्टूडेंट ये रहा आपका ट्वेल्व। ठीक है जी, तो इस प्रकार आपको ये लिखना है, लिखने के साथ साथ एकदम मैच भी करते रहना कि आपने ठीक लिखा है या गलत हो गया कहीं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो वन स्टैंड डालने बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए 53 लाख, इसमें भी 53 लाख है। तो स्टूडेंट तो इसी वन स्टैंड से काम चला लेते हैं, है ना, दोबारा नहीं डालते। ऐसा अगर आप करें, अगर आप पेयर कॉपी में करें तो बार बार आपको वन स्टैंड डालने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आप इन्हें ऐसे इधर लिख लेते बराबर में वन स्टैंड को, तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं थी बार बार लिखने की, क्योंकि एक टेबल तैयार हो जाती है आपकी। तो स्टूडेंट 53 लाख, तो 10 के नीचे 50 है तो 5 आ जाएगा, और 3 लाख के नीचे, तो स्टूडेंट ये क्या होगा 53 लाख, इनकी प्लेस क्या है लाख। और 37,000, 37,800, तो स्टूडेंट देखिए लास्ट में वन डिजिट आएगी तो उसे वंस के नीचे लिखेंगे, अगर डबल होती 12 होता, 13 होता, 34 होता, तो एक 10 प्लेस पर आ जाती है और एक वंस प्लेस पर। तो स्टूडेंट इसमें 100 नहीं आ, एक मिनट, 53 लाख, 37,800, तो 10 प्लेस नहीं बोला स्टूडेंट, 10 प्लेस नहीं बोल रहा ना, तो 8 लिखेंगे वंस के नीचे, और 10 प्लेस की स्टूडेंट 0 लगा देंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखिए 76 लाख, 76 लाख, 3,000, तो इसमें स्टूडेंट 10,000 रीड नहीं हुआ, बोला नहीं गया, लिखा हुआ नहीं है, है ना, जब लिखा हुआ नहीं है तो 10 प्लेस को छोड़ देंगे, यहाँ पे इसकी 0 लगा देंगे, तो 3,000 है, तो 1,000 के नीचे स्टूडेंट हम 3 लिख देंगे। ठीक है जी, 3,500 है, ये 100 है जी, 100 के नीचे आप 5 लिख देंगे, 515 है, तो 10 पे 1 आ जाएगा और 1 के नीचे 5 आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब है जी 9 लाख, तो स्टूडेंट इसमें डबल नहीं हुआ, जिनके 10 प्लेस नहीं बोली जा रही, तो लैक के नीचे हम लाइन 9 लिखेंगे, और 10 लैक के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं, लेकिन 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे सब जगह 0 ही है, जहाँ कोई डिजिट नहीं होती स्टूडेंट वहाँ पे 0 ही होती है। तो 9,11,000, 11,400, 100 के नीचे 400 है जी 7, तो स्टूडेंट वंस के नीचे 7 आ जाएगा, 10 प्लेस बोला नहीं गया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, आप इनके इन सब के ऊपर वंस 10 भी डाल सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले के ऊपर डाले, आप इनके ऊपर भी वंस 10 डाल सकते हैं। ठीक है, उससे आपको लिखने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी, हमने तो थोड़ा सा भाई समय बच जाए इसलिए एक ही बार डाल दिए।
अब स्टूडेंट इसमें देखिए 9 करोड़, इसमें लाख 10 लाख तक थे, इसमें हम 9 करोड़ तक डाल लेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट डाल लीजिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ओके स्टूडेंट, अब वंस टेंस आप कितने भी डाल सकते हैं, लेकिन लिखना वैसे शुरू करना आपको जो दे रखा हो। स्टूडेंट 9 करोड़ है तो इसमें 10 प्लेस नहीं बोल रही, वंस प्लेस ही बोल रहा है, तो हम करोड़ के नीचे 9 लिखेंगे, 9 करोड़, ठीक है जी। 92 लाख है तो 92 लाख लिख देंगे। फिर 30,000 है स्टूडेंट, 30, तो ये 30 हो गया, देखो 30,000 है। और 600 है, 100 के नीचे 600, 90 ये हो गया स्टूडेंट, और 6, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा इतना। अब एफ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है 88 करोड़। तो स्टूडेंट 80 बोल रहा, तो 10 के नीचे आएगा 8, 88 करोड़। देखिए 8 सी के नीचे है और ये 8 भी सी के नीचे ही है, तो 88 करोड़ होगा, एक पेयर होगा स्टूडेंट। 88 करोड़ के बाद क्या है, 80 लाख, तो 10 लाख के नीचे 8 आ जाएगा और लाख के आगे 0 आ जाएगी, तो ये 80 लाख हो गया, है जी। फिर 8,000, तो स्टूडेंट 10,000 नहीं बोल रहा, तो 10,000 की 0 लगा देंगे, और 8, अब स्टूडेंट देखिए 8 है ये 1,000 है, तो 8,000 पढ़ा जा रहा है, जो लिखा हुआ है वही पढ़ा जा रहा है, 8,000, 88। तो स्टूडेंट 100 तो नहीं आया ना, देखो कहीं भी इसमें 100 नहीं लिख रहा, तो 100 को छोड़ देंगे, उसे नहीं लिखेंगे, 88 लास्ट में लिखेंगे, और 100 के लिए कोई लिखा नहीं गया, तो यहाँ पे 100 की एक 0 ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट समझ में तभी आएगा जब आप इसे रफ कॉपी पे करके देखेंगे एक बार जरूर, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर है जी आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फ्लोइंग नंबर इन फिगर। स्टूडेंट आपको इन्हें फिगर में लिखना है, जो ये नंबर नेम दिए गए हैं आपको इन्हें फिगर में लिख रहा है, यानी कि इन्हें आपको न्यूमरल में लिखना है, नंबर में लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें बुक में इस तरह के बॉक्स बने हुए हैं, ये पीरियड के बॉक्स है स्टूडेंट, ये वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड का है, ये लाख का है, ये करोड़ का है, तो स्टूडेंट इन पर वंस टेन डाल लेते हैं, देन वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ओके स्टूडेंट, इन सब पे डाल लेते हैं पहले, टेन करोड़। ओके स्टूडेंट, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स लाख 10 लाख करोड़
10 crore. स्टूडेंट ये वन स्टैंड हमने डाल लिए, अब देखिए इन्हें लिखने का मेथड क्या है। तो स्टूडेंट 12 करोड़ है, तो 1 करोड़ का पीरियड है, तो हम इस करोड़ को करोड़ वाले पीरियड में ही लिखेंगे। 12 करोड़ है तो स्टूडेंट एक बॉक्स में लिखेंगे, तो ये 12 करोड़ हो गया। अब है जी 5 लाख, तो इसमें 10 प्लेस नहीं बोली जा रही, सिर्फ लाख प्लेस बोली जा रही है मंथ्स। तो यहां 5 लिखेंगे, यहां पे आप 0 लगा देंगे, 5 लाख। फिर क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट 13, देखिए लास्ट में 13 लिखा हुआ है, तो 1000 तो नहीं है ना कहीं, तो कहीं 1000 भी नहीं है और 100 भी नहीं है, तो स्टूडेंट 13 है, तो 100 भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए 100 की भी 0 और जी 1000 की भी आप 0 ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट ऐसे करना है। अब 4 करोड़, 10 करोड़ नहीं है, 4 करोड़ है स्टूडेंट, है नहीं, और जी 1 लाख है, लाख के नीचे 1 लिख देंगे, 10 लाख नहीं है तो इसकी 0 लगा देंगे। 1000, 10,000 नहीं है तो इसकी भी 0 लगा देंगे। 700, तो स्टूडेंट ना 10 प्लेस है ना 1 प्लेस है, तो इन दोनों की भी 0 ऐड कर देंगे, तो इस तरह हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब 83 लाख, इसमें स्टूडेंट करोड़ नहीं है, है तो नहीं, तो हम इसे छोड़ देंगे। क्या है 83 लाख, तो लाख के नीचे लिखेंगे 83 लाख, 35,000 और स्टूडेंट 13, तो इसमें 100 प्लेस नहीं लिखा हुआ है, इसलिए तो इसकी 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट अब 46 करोड़, तो स्टूडेंट 1 करोड़ है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, 46 करोड़ हो गया। अब 51 लाख, तो जी ये 51 लाख होगा लाख के नीचे। फिर 90,000, तो स्टूडेंट ये 90,000 हो गया। 300, 100 के नीचे 3 लिख दिया, 311। ओके स्टूडेंट अब 1 करोड़, 1 सी के नीचे 1 लिखेंगे, 10 के नीचे वाले पे 0 लिख देंगे, यहां कुछ भी नहीं लिखते स्टूडेंट। 1 करोड़ 5 लाख, 10 प्लेस नहीं आया तो 0 लिख देंगे, 5 लाख। 5,000, 10 प्लेस नहीं है और 500 और जी 5, इसमें भी 10 प्लेस नहीं है। ओके स्टूडेंट तो जो बोल रहे हैं, जो भी आप प्लेस बोल रहे हो उसे उसी प्लेस के नीचे लिखना है, यानी कि उसी पीरियड में लिखना है जो जिस पीरियड का है। ओके स्टूडेंट और जो प्लेस नहीं बोलती, बोली जाती, रीड नहीं होती, उनके लिए आप 0 ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर विद कोमास बिटवीन द पीरियड इंटरनेशनल सिस्टम। स्टूडेंट जो 9 क्वेश्चन है, इसमें आपको जो ये नंबर दिए गए हैं, इनमें आपको कोमे इंसर्ट करने हैं पीरियड के अनुसार। स्टूडेंट सबसे पहले आप जान लीजिए, पहले वंश का पीरियड होता है, जब वंश का पीरियड खत्म हो जाता है तो 1 कोमा लगता है। फिर 1000 का पीरियड होता है, 1000 का पीरियड जब खत्म हो जाता है 1 कोमा लगता है। ओके स्टूडेंट फिर मिलियन का पीरियड होता है, जब मिलियन का पीरियड खत्म हो जाता है तब 1 कोमा लगता है। फिर बिलियन होता है, बिलियन का पीरियड जब खत्म हो जाता है तब 1 कोमा लगता है। तो स्टूडेंट इसमें सब में जो एक पीरियड होता है उसमें 3 डिजिट होती है, यानी कि 3 प्लेस होते हैं, 3 स्थान होते हैं एक पीरियड में।
तो स्टूडेंट हम दूसरे अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि सभी को में तीन तीन डिजिट के बाद लगेंगे। सबसे पहले हम इसी तरीके से आपको समझाना चाहेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो भी आपको नंबर दिया गया है उस नंबर को पहले आपने सामने लिख लीजिए आप, ऐसे जैसे जो भी यहाँ पे लिखा है ए सेम का सेम हमने यहाँ पे लिख दिया, बी यहाँ लिखा था सेम का सेम हमने यहाँ लिख दिया एक पर लगा था। ओके स्टूडेंट, अब हमें इनमें कॉमे इंसर्ट करने बस। तो 1 2 3 स्टूडेंट यहाँ पे लगेगा। अब 1 2 3 यहाँ पे नहीं लगने का क्योंकि कॉमा किसी न किसी उसके बीच में ही लगता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप कॉमा देख लीजिए कैसे लगता है। कॉमे के लिए सबसे पहले आप ऐसे एक डॉट बनाइए और उसमें से हल्का सा ऐसे निकाल दीजिए, ये कॉमा होता है। कॉमा ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ये यहाँ से लगा दिया बीच से, तो ये गलत है। ठीक है जी, तो पहला कॉमा हम यहाँ लगाएंगे तीन डिजिट के बाद स्टूडेंट, ऐसे, और नीचे से ही लगाएंगे बीच से नहीं। ठीक है जी, अब इसमें 1 2 3 1 2 3 अब स्टूडेंट टू डिजिट है, हमें 3 चाहिए, 3 के भी आगे एक नेक्स्ट डिजिट रोल चाहिए कोमा लगाने के लिए। ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3 स्टूडेंट हम कोमा क्यों लगाते हैं? हम किसी भी नंबर में कोमा इसलिए लगाते हैं ताकि उसके पीरियड अलग अलग शो हो सके। ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3 ओ ये नहीं था, ये था 1 2 3 1 2 3 ओके स्टूडेंट, अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं करना होता कि आप तीन तीन डिजिट के बाद कॉमे इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर हम आपको वन स्टैंड डाल के दिखाएं, एक के दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए वंस टेंस हंड्रेड, तो स्टूडेंट ये एक पीरियड है वंस का, तो इसकी पीरियड के बाद कॉमा इंसर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट ये थाउजेंड है, ये 10,000 है और ये 100,000 है ना स्टूडेंट, एक पीरियड ये हो गया। तो जहाँ भी एक पीरियड समाप्त होता है वही हम कोमा इंसर्ट करते हैं। वंस का पीरियड खत्म हुआ, यहाँ पे कोमा लगा दिया। अब स्टूडेंट 1,000 का पीरियड खत्म हुआ, यहाँ पे कोमा लगा दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मिलियन 10 मिलियन, तो स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट कॉमा बीच में लगता है डिजिट के, यहाँ पे नहीं लग सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब भी एक पीरियड समाप्त हो जाए तभी आप कॉमा लगाएंगे। अगर आप ये बात भूल जाते हैं तो आप समझ लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम में सभी कॉमे तीन तीन डिजिट के बाद लगते हैं, और इंडियन में पहला 3 के बाद लगेगा और सभी बाकी 2-2 के बाद लगेंगे, 2 डिजिट के बाद, यानी कि पहला वंस पीरियड के बाद, दूसरा 1,000 पीरियड के बाद, तीसरा लैक के बाद और चौथा करोड़ के, फिर अरब के, खरब के। ओके स्टूडेंट, वैसे हमने क्वांटिलियन तक आपको सिखाए थे स्टूडेंट इंटरनेशनल लिखने। ठीक है जी, तो स्टूडेंट जो भी कोई वीडियो होती है, जैसे भी जैसा हमारा यूनिट 3 शुरू होती है या यूनिट 2 शुरू हुई थी, या स्टूडेंट आगे यूनिट 4 शुरू होगी, तो उससे पहले हम जो उसमें बताया जाता है उसके लिए हम एक कॉमन वीडियो बनाते हैं, एक या दो जितनी भी बनते हैं, उसमें जो भी होता है कि भाई प्लेस वैल्यू है, एक्सपेंडेड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है, SCF है, या स्टूडेंट जो भी है, तो उसके बारे में सक्सियर है, प्रेडिशियर है, तो उसके बारे में पहले हम उस वीडियो में आपको सिखाते हैं, बताते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए हम एक वीडियो ज़रूर बनाते हैं स्टूडेंट, वो वीडियो आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको कॉमा इंसर्ट करने आ गए होंगे। अब स्टूडेंट अगला है जी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है,
बहुत सारे बच्चों से ये नहीं हो पाते, वे इन्हें रटते हैं, याद करते हैं। ठीक है जी, आज हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे कि आपको इन्हें रटने की आवश्यकता ना पड़े और आप 2 मिनट में से कर लें। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए आप वन स्टैंड डालिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ टेन करोड़। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपने वन स्टैंड डाल दिए इन चारों को क्वेश्चनों को करने के लिए। स्टूडेंट ये तो है हमारे इंडियन सिस्टम, अब हम इंटरनेशनल के भी डालेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स हंड्रेड थाउजेंड्स मिलियन टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इन्हें ऐसे डाल लेना चाहिए, ठीक है जी, सबसे पहले इन्हें ऐसे डाल लीजिए। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा ऐसे ही बस समझा रहे हैं आपको, अगर कोई पूछता है कि हंड्रेड थाउजेंड में कितने लाख होते हैं तो आप बता सकते हैं 1 लाख होते हैं, या 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं तो 100,000 होते हैं स्टूडेंट, और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं 10 लाख होते हैं, 10 लाख में कितने मिलियन होते हैं 1 मिलियन होता है, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं तो 10 मिलियन होता है, 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं 1 करोड़ होता है। ओके स्टूडेंट, और 100 मिलियन में कितने करोड़ होता है 10 करोड़ होता है, और 10 करोड़ में 100 मिलियन होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको पता चल जाएगा जब ऐसे आप ये दोनों का कंपेरिजन करेंगे। तो स्टूडेंट इन्होंने क्या पूछा कि 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, तो दोनों इंडियन ही है, लाख भी और थाउजेंड भी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं लाख कहाँ लिखा है, ये लाख लिखा है तो हम लाख पे 1 लिख देंगे। अब स्टूडेंट थाउजेंड कहाँ लिखा है, ये रहा, तो थाउजेंड की हम 0 लगाएंगे, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं 100 लिखा गया, तो स्टूडेंट आप यहाँ 100 लिख सकते हैं इस पर का, तो 1 लाख में 100,000 होते हैं, या 100,000 मिलकर 1 लाख बनाते हैं, 1 लाख बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं, तो स्टूडेंट मिलियन कहाँ है, ये रहा मिलियन, ये मिलियन है हमारा, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब इसने पूछा जी कितने थाउजेंड होते हैं, थाउजेंड ये रहा, तो स्टूडेंट हम यहाँ से 0 लगानी शुरू करेंगे, मिलियन था तो कितने हो गए, तो 1,000 हो गए। तो स्टूडेंट आप यहाँ लिख सकते हैं 1,000, तो 1 मिलियन में 1,000 होता है, या 1,000 मिलकर 1 मिलियन बनाते हैं, ठीक है जी। अब है जी 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, अब स्टूडेंट ये इंडियन और इंटरनेशनल दोनों को क्रॉस करवा रहा है ना, मिलियन का है स्टूडेंट ये रहा, तो मिलियन का हमने 1 लिख दिया। ओके स्टूडेंट, और लैक ये रहा, लैक का लैक ये है ना, तो ये मिलियन है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 10 हो गया, तो स्टूडेंट 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख अगर एक साथ मिल जाए तो 1 मिलियन बनाते हैं, ठीक है जी। अब 1 करोड़ में पूछ रहा जी कितने मिलियन होते हैं, करोड़ कहाँ है जी स्टूडेंट, ये रहा C4 करोड़ ही हो रहा, और मिलियन कहाँ है जी, ये रहा, तो मिलियन के हम 0 लगा देंगे, तो स्टूडेंट कितने हो गए, 10 हो गई, ठीक है जी। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, 10 मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो इस मेथड से आप कोई भी इंटरनेशनल में चेंज कर सकते हैं, या इंटरनेशनल है तो उसे इंडियन में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। स्टूडेंट अगर आपको लगता है कभी किसी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।